हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। टॉपिक इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इफ वी रिप्लेस द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दैट इज अ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बाय ए कन्वर्जिंग मिरर, देन द टेलीस्कोप इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। हमने लास्ट क्लासेस में किया था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जिस टेलीस्कोप के अंदर दो लेंस हम यूज कर रहे थे, दिस ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस आईपीस, इस टेलीस्कोप को हम कहते हैं रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रेक्टिंग टाइप, यहाँ पर रिफ्रेक्शन होता है, यहाँ पर दो लेंसेज हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर भी रिफ्लेक्शन नहीं है, कोई मिरर यूज नहीं कर रहे, तो सच टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज नोन एज रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। बट यदि इस टेलीस्कोप के अंदर हम इस ऑब्जेक्टिव को एक कन्वर्जिंग मिरर से रिप्लेस कर दें, देन द रिजल्टिंग टेलीस्कोप इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। नाउ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हमारे दो तरह के हो सकते हैं। नंबर वन, दिस कैसिक ग्रेन टेलीस्कोप, या कह सकते हैं आप कैसिक ग्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। एंड नंबर टू इज न्यूटोनियन टेलीस्कोप, या फिर इसको आप कह सकते हैं न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। कैसिक ग्रेन टेलीस्कोप के अंदर ये हमारा एक कन्वर्जिंग मिरर, पहले वहां पर हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता था, बट यहाँ पर अब ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, दिस कन्वर्जिंग मिरर एंड दिस पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन दिस कन्वर्जिंग मिरर एंड दिस प्रिंसिपल एक्सिस एंड ए कॉन्वेक्स मिरर इज हेयर, दिस कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस कॉन्वेक्स मिरर इज प्लेस बिफोर द फोकस ऑफ दिस कन्वर्जिंग मिरर। इस कन्वर्जिंग मिरर का यहाँ पर फोकस से पहले हमने एक कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर यूज किया, कॉन्वेक्स मिरर एंड हेयर दिस आई पीस। अब यदि हम ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हैं इस कन्वर्जिंग मिरर पर, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो कि इन्फिनिटी से आती हैं, जो हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पर इन्फिनिटी पर है, वहां से आ रही हैं और ये इस मिरर पर कन्वर्जिंग मिरर पर इंसिडेंट होती हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों रेज हमारी कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट होती हैं, और कॉन्वेक्स मिरर यदि नहीं होता तो ये दोनों की दोनों रिफ्लेक्टिंग रेज फोकस पर एफ नॉट पर यहाँ पर मीट करती, बट हमने इस कॉन्वेक्स मिरर को इस कन्वर्जिंग मिरर के फोकस से पहले प्लेस किया, तो ये रिफ्लेक्टिंग रेज दोनों इस पर इंसिडेंट होती हैं। इंसिडेंट होने के बाद दोनों की दोनों रेज रिफ्लेक्ट होकर हमारी ये आईपीस के अंदर जाती हैं और फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के हमारी आईपीस के अंदर बनती है। नाउ देयर दिस पॉइंट 1, 2 एंड 3। नंबर वन क्या है, दिस नंबर वन इज कॉनकेव पैराबोलिक मिरर। दिस नंबर वन, इसको हम कह रहे हैं कॉनकेव पैराबोलिक मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर एंड दिस कॉनकेव पैराबोलिक मिरर इज नोन एज ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर ये कॉनकेव पैराबोलिक मिरर क्या काम करता है, ऑब्जेक्टिव की तरह काम करता है यहाँ पर। एंड नंबर टू, दिस इज सेकेंडरी मिरर एंड दिस सेकेंडरी मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। एंड नंबर थ्री, दिस इज आईपीस। तो इस तरह से हम कैसे ग्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का रे डायग्राम बना सकते हैं। कैसे ग्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, यहाँ पर ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर, दूसरा ये प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस से पहले, ये कॉन्वेक्स फोकस से पहले ही एक कॉन्वेक्स मिरर, जिससे कि ये जो कि इन्फिनिटी से रे आते हैं, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होकर और फाइनल इमेज हमारी आईपीस के अंदर बनती है। नाउ ये हमारा फर्स्ट टाइप का कैसे ग्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है। नंबर टू, न्यूटोनियन टाइप रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, इसके अंदर भी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट इज ऑल्सो कॉनकेव पैराबोलिक मिरर हैविंग लार्ज अपर्चर एंड दिस बिहेवियर दिस इज ऑब्जेक्टिव। एंड नंबर टू, दिस प्लेन मिरर
ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर हमने क्या किया, एक प्लेन मिरर प्लेस किया। ये जो प्लेन मिरर है दिस इज, इस कन्वर्जिंग मिरर के फोकस एफ नॉट से पहले रखते हैं और दिस 45 डिग्री विद द प्रिंसिपल एक्सिस के साथ है, 45 डिग्री विद प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ दिस पैरेलल बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड इंसिडेंट ऑन दिस कन्वर्जिंग मिरर, ऑब्जेक्टिव पर इंसिडेंट होती है और इससे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होती है रेज, रिफ्लेक्ट होकर प्लेन मिरर पर इंसिडेंट, और प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद रेज रिफ्लेक्ट होती है, और रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज, फाइनल इमेज हमारी आईपीस के अंदर बनती है। ना ये हमारा यहाँ पर एफ नोट था, इस कन्वर्जिंग मिरर का फोकस था, बट इससे पहले ही हमने ये प्लेन मिरर प्लेस किया और प्लेन मिरर पर ये जो इंसिडेंट होता है पैरेलल बीम, इस मिरर के रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पर रिफ्लेक्ट होता है, इस पर रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर यहाँ पर फाइनल इमेज आईपीस के अंदर बनती है। राइट, नाउ दिस प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है, प्लेन मिरर के लिए जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पर उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इमेज बनती है। ये जो यहाँ पर एफ नॉट है, यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टेड रेज थी, यदि ये प्लेन मिरर नहीं होता तो यहाँ पर आकर ये मीट करते हैं, बट प्लेन मिरर होने के कारण ये इससे पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो हमारा एफ नॉट है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है इस प्लेन मिरर के लिए, और प्लेन मिरर के लिए इमेज बनाने की एक करेक्टरिस्टिक होती है कि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर फ्रॉम द मिरर इमेज बनती है। तो ये जो एफ नॉट है ये प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है, और ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, दिस प्लेन मिरर, दिस एफ नॉट की डिस्टेंस। राइट, अब इतने ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनेगी, ये ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पर इमेज। तो ये जो दोनों रेज रिफ्लेक्ट होकर आती हैं प्लेन मिरर से, ये इस आईपीस के अंदर दोनों फाइनल इमेज बनाती हैं। नाउ नंबर वन आपको बताया मैंने, दिस इज कन्वर्जिंग मिरर क्या काम करता है, एज ए ऑब्जेक्टिव काम करता है इस टेलीस्कोप के अंदर। दिस नंबर टू प्लेन मिरर, ये सेकेंडरी मिरर क्या है, प्लेन मिरर है जो कि 45 डिग्री विद द प्रिंसिपल एक्सिस है। एंड नंबर थ्री इज आईपीस। नाउ पहले केस में जो हमारा कैसेग्रीन टेलीस्कोप था, उस कैसेग्रीन टेलीस्कोप के अंदर हम मैग्नीफाइंग पावर के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। इसमें भी दो केस होंगे हमारे, व्हेन द फाइनल इमेज इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन दैट इज MD इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई इंटू 1+FE/D। ये यहाँ पर इसका डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला जैसे पीछे हमने टेलीस्कोप के केस में किया था वही करना है, कोई डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में। ना द मैग्निफिकेशन या कहिए मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, दिस इज एफ नॉट अपॉन एफ ई, और एफ नॉट का मतलब फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की, और ऑब्जेक्टिव हमारा मिरर है इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं R/2 एंड दिस अपॉन एफ ई। इस एफ ई की जगह पर R/2 नहीं लिख सकते क्योंकि ये लेंस की फोकल लेंथ है, लेंस के लिए फोकस मतलब लेंस के लिए जो फोकल लेंथ है उसको R/2 नहीं लिख सकते, केवल मिरर के केस में ही हम एफ को R/2 लिख सकते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। जैसा कि हमने रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर इमेज बनाई थी, यहाँ पर ये जो इमेज बनती है इसकी ब्राइटनेस कम होती है, यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस कम होती है, बट रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर ब्राइटनेस ज्यादा होती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज हियर द इमेज इज मच ब्राइटर, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर मिरर यूज कर रहे हैं तो मिरर के केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब जो मैक्सिमम लाइट उस पर इंसिडेंट होती है वो वापिस आती है, जिसके कारण इमेज ज्यादा ब्राइट होती है। नंबर टू, हायर रिजॉल्विंग पावर, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होती है। रिजॉल्विंग पावर का मतलब है यदि हमारे दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं
एंड दीज टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स आर वेरी वेरी क्लोज टू इच अदर, वेरी वेरी क्लोज टू इच अदर एंड दे कैन नॉट सीन सेपरेटली विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई, बट किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इनकी इमेजेस को दूर दूर करने की जो एबिलिटी होती है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी, जिसके कारण ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इन दोनों नियर बाई पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेजेस को दूर दूर करता है, दैट एबिलिटी इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर. नाउ हियर द टेलीस्कोप हैज हाई रिजॉल्विंग पावर. रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो होता है उसमें हाई रिजॉल्विंग. नंबर थ्री, फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एबरेशन. क्रोमेटिक एबरेशन क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे. ये जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हमने किया इसके अंदर कोई क्रोमेटिक एबरेशन नहीं होती है. एंड नंबर डी, द स्पेरिकल एबरेशन कैन बी रिड्यूस यूजिंग द पैराबोलिक मिरर एज द ऑब्जेक्टिव. पैराबोलिक मिरर यदि हम यूज करें, इसमें पैराबोलिक मिरर यूज करने से स्पेरिकल एबरेशन को हम मिनिमाइज कर सकते हैं. स्पेरिकल एबरेशन क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे. तो दीज आर द एडवांटेजेस. इसी के साथ साथ ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हमारा चीप होता है और इजी टू हैंडल होता है. रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हमारा चीप मतलब लेस कॉस्टली होता है और इजी टू हैंडल होता है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमारा ये मिरर है, ऑब्जेक्टिव मिरर, इसका वेट कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस, जो कि रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर हम ऑब्जेक्टिव लेंस ले रहे थे, या हमारा जो आई लेंस था वो दोनों ही कॉन्वेक्स थे. जो लेंस है वो सॉलिड होता है इसलिए उसका वेट ज्यादा है. तो यहाँ पर जो ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है इसके अंदर मिरर यूज कर रहे हैं और मिरर का हमारा वेट कम होता है इसलिए ये इजी टू हैंडल हम इसको कहते हैं. नब डिस्कस करते हैं कि क्रोमेटिक एवरेशन और स्पेरिकल एवरेशन क्या होता है. क्रोमेटिक एवरेशन एंड स्पेरिकल एवरेशन, सपोज दिस लेंस कॉन्वेक्स लेंस एंड व्हाइट लाइट, ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन इट. व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, बट ये जो अपर पार्ट ऑफ द लेंस है, दिस अपर पार्ट ऑफ द लेंस, ये स्मॉल पार्ट ऑफ द लेंस, दिस पार्ट ऑफ द लेंस बिहेव्स एज ए प्रिज्म. और यहाँ पर जो रेफ लाइट इंसिडेंट होती है इसका डिस्पर्जन होता है. ये हमारा लेंस, यहाँ पर थिक लेंस है. इससे पहले जहां पर भी हम लेंस यूज कर रहे थे वो थिन लेंस यूज कर रहे थे. जहां पर हमने लेंस फॉर्मूला किया वहां पर भी हमारा थिन लेंस था. थिन केस में ऐसा नहीं होता है, बट ये हमारा थिक लेंस होने के कारण क्या है, ये जो अपर पार्ट ऑफ द लेंस है, ये जो पार्ट है, ये इसका एज ए प्रिज्म काम करता है. और प्रिज्म से जब लाइट पास होती है तो वो डिस्पर्स हो जाती है. डिस्पर्स होने का मतलब 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट होती है. अब इन सभी का जो डेविएशन होता है, 7 कलर्स का जो डेविएशन है वो अलग अलग होता है. जब डेविएशन अलग अलग है तो ये अलग अलग पॉइंट पर डेविएट होती है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि अलग अलग कलर के लिए फोकल लेंथ अलग अलग होती है. क्यों? क्योंकि हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला था 1/f = μ-1 × 1/r1 − 1/r2. अलग अलग कलर के लिए म्यू अलग होता है. जब म्यू अलग होता है तो ये फोकल लेंथ अलग हो जाती है. डिफरेंट कलर्स के लिए म्यू की वैल्यू अलग होगी. जब म्यू की वैल्यू अलग होगी तो फोकल लेंथ अलग होगी. इसलिए ये वायलेट कलर की जो रे है वो यहाँ पर फोकस होती है और रेड कलर की हमारी जो रे है वो यहाँ पर फोकस होती है. राइट, ये भी हमारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट था यहाँ पर. तो ये यहाँ पर ये स्मॉल पार्ट एज ए प्रिज्म काम करता है और यहाँ पर जब रे ऑफ लाइट पास होती है तो ये स्प्लिट होती है, मतलब सेवन कलर्स में स्प्लिट हो जाती है. ना ये वायलेट यहाँ पर आकर इसका फोकस होता है, रेड कलर यहाँ पर फोकस होता है, बाकी जो बीच में कलर्स हैं वो इन दोनों के बीच में ही हमारे यहाँ पर फोकस होते हैं.
तो ये जो हमारी इनएबिलिटी है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द लेंस इज कलर्ड एंड ब्लर्ड, मतलब यहाँ पर जो इमेज बनती है वो क्लियर इमेज नहीं बनेगी, व्हाइट लाइट यूज कर रहे थे तो इमेज यहाँ पर हमारी कलर बनती है और ब्लर्ड बनती है। एंड दिस डिफेक्ट ऑफ द इमेज इज नोन एज क्रोमेटिक एबरेशन। क्रोमेटिक एबरेशन कहते हैं, जैसा कि हमारा लेंसेज के केस में मतलब रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में तो होता है, बट रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हम मिरर यूज कर रहे हैं एज ए ऑब्जेक्टिव, मिरर यूज कन्वर्जिंग मिरर यूज कर रहे हैं, तो वहां पर ये क्रोमेटिक एबरेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो व्हाइट लाइट हमारी सेवन कलर्स में स्प्लिट होकर अलग अलग पॉइंट पर फोकस होती है, तो इसी डिफेक्ट को हम क्या कह रहे हैं, दिस इज नोन एज क्रोमेटिक एबरेशन। नंबर टू इज स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन में क्या है, ये हमारा यहाँ पर थिक और लार्ज लेंस है, थिक एंड लार्ज लेंस, यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्सियल पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो इससे लार्ज नंबर ऑफ रेज इंसिडेंट होती है इस लेंस पर, लार्ज नंबर ऑफ रेज लेंस पर इंसिडेंट होती है, तो इनमें से कुछ तो रेज पैरा एक्सियल रेज होती है और कुछ मार्जिनल रेज होती है। जो पैरा एक्सियल रेज है वो अलग पॉइंट पर फोकस होती है और जो हमारी मार्जिनल रेज है वो अलग पॉइंट पर फोकस होती है। तो यहाँ पर हमारा एक सिंगल ऑब्जेक्ट था, इस सिंगल ऑब्जेक्ट की इमेज अलग अलग बनती है अलग अलग रेज के लिए। दिस MR का मतलब मार्जिनल रेज, PR का मतलब पैरा एक्सियल रेज। पैरा एक्सियल रेज का मतलब जो रे ऑफ लाइट हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पास है उनको हम कह रहे हैं पैरा एक्सियल रेज, और जो हमारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है उनको हम कह रहे हैं मार्जिनल रेज। तो मार्जिनल रेज अलग पॉइंट पर फोकस होती है, इसको हम IM कह रहे हैं, मतलब मार्जिनल रेज के लिए इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो यहाँ पर बनती है, और जो हमारी पैरा एक्सियल रेज है तो इनके द्वारा इमेज यहाँ पर बनती है। द इनएबिलिटी ऑफ द लेंस टू फॉर्म ए पॉइंट इमेज ऑफ एन एक्सियल पॉइंट ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्फेरिकल एबरेशन। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट था पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इमेज उसकी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बनी, तो इसी इनएबिलिटी को हम कह रहे हैं स्फेरिकल एबरेशन, और ये स्फेरिकल एबरेशन हमारे मिरर के केस में मिनिमाइज हो जाती है बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर का मतलब जो मिरर हमारा ज्यादा डीप होता है, इस तरह का जो मिरर होगा इसको हम कह रहे हैं पैराबोलिक मिरर या पैराबोलॉइडल, या कहिए पैराबोलॉइडल, इस तरह का जो मिरर होता है उसको हम कह रहे हैं पैराबोलिक मिरर या पैराबोलॉइडल मिरर। इस केस में या ऐसे मिरर के केस में क्या होता है, ये स्फेरिकल एबरेशन नहीं होता है। मतलब ये जो हमारी अलग अलग इमेज बनी है या अलग अलग रेज हमारी अलग अलग पॉइंट पर फोकस हुई है, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए कोई भी रे हमारी मार्जिनल रेज या हमारी ये पैरा एक्सियल रेज, ये सभी एक ही पॉइंट पर फोकस होती हैं। ये सभी रेज हमारी मार्जिनल रेज हो या हमारी पैरा एक्सियल रेज हैं, ये सभी एक ही पॉइंट पर फोकस होती हैं। तो ये हमारा जो स्फेरिकल एबरेशन है ये इस मिरर के द्वारा, पैराबोलिक मिरर के द्वारा मिनिमाइज किया जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप किया। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप दो तरह का, एक तो कैसेग्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और दूसरा हमारा न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसी के अंदर हमने दोनों के डायग्राम रेडायग्राम बनाए, मैग्नीफाइंग पावर के लिए फॉर्मूला लिखा इन केस ऑफ कैसेग्रेन, एंड दोनों में हमने ये क्रोमेटिक और स्फेरिकल एबरेशन में क्या डिफरेंस है, क्या होता है, इसको हमने एक्सप्लेन किया। तो आज की क्लास के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।